नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल टॉप अर्निंग टिप्स। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर सिंह। दोस्तों, इस मौसम में हम अपनी फसल की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन तैयारी के दौरान हम ये भूल जाते हैं कि हमें बीज शोधन भी करना चाहिए। बीज शोधन की हमें जानकारी होनी चाहिए और इसके अलावा हमें कौन कौन से बीजों का प्रयोग करना चाहिए। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक डॉक्टर साहब से, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं। तो आज वो आपको बताने वाले हैं कुछ इन्हीं के ऊपर, तो आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी फसल के बीज को शोधित करने के लिए 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम फफूंदनाशी दवा की आवश्यकता होती है। वो फफूंदनाशी दवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कार्बेंडाजिम हो या जिनेब हो या जो है डाइथेनियम 45 हो। 2 ग्राम से ज़्यादा प्रति किलो बीज से शोधित करना चाहिए। 1 किलो बीज 2 ग्राम दवा। इसी तरीके से कीटनाशी जो दवा है, जैसे आपका रोबोर है या डाइक्लोरोवास है या क्या कहते हैं और भी बहुत सारे कीटनाशी हैं, उनकी 1 किलो बीज के लिए 1 ml कीटनाशी दवा की आवश्यकता होती है। अब किस बर्तन में आप बीज का शोधन करते हैं, उसमें जैसे मान लीजिए 10 किलो बीज आप शोधित कर रहे हैं तो 20 ग्राम फफूंदनाशी दवा और 10 ml कीटनाशी दवा, इसमें बीज को अच्छे तरीके से मिला देना चाहिए। और मिलाने के लिए भी एक शारीरिक रूप से सुरक्षा रखने की आवश्यकता होती है। जैसे आप अगर बीज शोधित करने जा रहे हैं तो हाथों में ग्लव्स अवश्य पहनना है, क्योंकि कोई भी रसायन आपके उंगलियों पर या नाखूनों पर अंदर तक जो है इन्फेक्शन दे सकता है या बीमारी दे सकता है। तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी ये नितांत आवश्यक होता है। संकर प्रजाति का बीज कभी भी 1 साल से ज़्यादा पुराना खेती में सब्जी उत्पादन के लिए नहीं करना चाहिए, अन्न उत्पादन के लिए भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसान भाई लोग 1 साल से अधिक पुराना बीज हाइब्रिड प्रजाति का इस्तेमाल करते हैं तो अंकुरण बहुत कम होता है, फूल भी बहुत कम आते हैं और फलत भी बहुत कम होती है। एक बात और ध्यान रहे किसान भाइयों कि संकर बीज जो आता है उससे पुनः संकर बीज बनाने की कोशिश ज़्यादा सफल नहीं होती है, हमेशा ही असफल रहती है। आजकल जो समय चल रहा है उसमें बहुत सारी सब्जियों का भी उत्पादन करने का विशेष अभियान सरकारें भी चला रही हैं, तो बीज उत्पादन करने के भी बहुत विशेष तरीके होते हैं। उनको हमें जो है विधिवत रूप से कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करके ही बीज उत्पादन करने की कोशिश करनी चाहिए। अनायास वे में अज्ञात और बिना तकनीकी के जो बीज उत्पादन करते हैं उसमें नुकसान ज़्यादा होता है और सफलता भी कम मिलती है। सब्जी उत्पादन के लिए आजकल हाइब्रिड सब्जी उत्पादन का ज़्यादा प्रचलन वैज्ञानिकों के द्वारा भी किया जा रहा है और इनकी पैदावार भी संकर प्रजातियों की उन्नतशील प्रजातियों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है और ज़मीन का आकार घट रहा है और जनसंख्या की उधर पूर्ति के लिए संकर सब्जी बीज उत्पादन करना आवश्यक हो गया। इसी तरीके से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारी प्रजातियां संकर सब्जी बीज उत्पादन की हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि हमारी टमाटर में जो है स्वर्ण वैभव है, अविनाश 2 है, रूपाली है और अंकुर 21-10 है। साथ ही साथ में हमारा जो है 95-02 है और भी कई प्रजातियां आ रही हैं, हिमसोना है, ये पैदावार में बहुत अच्छी हैं। 4.5-5 कुंटल 450-500 कुंटल तक पैदावार ये देती हैं और नॉर्मल रूप से भी किया जाए तो 350 कुंटल पैदावार दे देती हैं। इसी तरीके से बैंगन अगर किसान भाई लोग करना चाहते हैं तो नीलम, नवकरण और महिको रूबी एक बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली 400-500 कुंटल पैदावार देने वाली प्रजाति है। तो कद्दू वर्गीय में अगर तोरी करना चाहते हैं तो उसमें हमारी जो फसल है प्रजाति है संकर, वो लोहित तोरी अपने आप में बहुत ही महत्व रखती है, खाने में भी स्वादिष्ट है। इसी तरीके से आपका अगर फूल गोभी को करना चाह रहे हैं किसान भाई इस सीजन में तो गिरजा प्रजाति बहुत अच्छी है। और भी बहुत सारी प्रजातियां आ रही हैं, सरकारी प्रजातियों में भी हम लोग काम कर रहे हैं और सरकारी प्रजातियां ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने में सक्षम हो रहे हैं।
प्रयास निरंतर जारी हैं। और खीरा किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जैसे आपका पूसा मालनी है, पूसा संजोग है, अंजलिना प्रजाति है, कल्याणपुर लंबा हरा है, तो ये सभी प्रजातियाँ हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों को सब्जी उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके अधिक से अधिक लाभ लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अपने चैनल के माध्यम से हम आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।